La dé, फिर भाव तो सुन लो भाई, तेरे से खरीदना नहीं है तो छीनना है। साइज देके बात किया कर, बच्चे के हाथ से बर्फ का गोला नहीं छीनना है, फ्रांसिस के हाथ से माल छीनना है। अब कहां गई तेरी हंसी? हंसी नहीं, गुस्सा आ रहा है। सॉरी फ्रांसिस भाई, सॉरी, औकात नहीं थी मेरी खरीदने की, लेकिन भाई बिकवा दूंगा। दोबारा डबल क्रॉस किया तो मारनी पड़ेगी, गोली जाएगी अंदर। भाई परसों रात तक का टाइम दे, तेरा काम हो जाएगा। सलाम मुझे भाई फ्रांसिस। माल कितना है? 40 किलो। हाँ 40 किलो, इतना वजन तो यहाँ मोरे उठा सकता है। उसके एक आदमी से मिलवा सकता हूँ तुम्हें, मॉडर्न मॉल में सब कुछ मिल जाता है आजकल। मोरे का कांटेक्ट भी तुम्हें वहीं मिल जाएगा। तुम्हें भी ये बात पता है, चालीस किलो क्या भाव? पूरा उठाया तो मार्केट से 10% कम। माल कहाँ का है? पंजाब बॉर्डर। डील बन सकती है, लेकिन मोरे का एक भरोसे का सप्लायर है सीमा, वो किसी सीमा कहाँ मिलेगा? सीमा की खोपड़ी टोटल शॉर्ट सर्किट है, 5 फीट 5 से ऊपर का हर आदमी उसे पुलिस वाला लगता है, हमेशा आम रहता है, लेकिन पब्लिक प्लेस में गोली चलाने से पहले सोचेगा भी नहीं। आसपास रहती हो?
नाम क्या तुम्हारा? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, ना तुम्हें नाम बताने की जरूरत है। कैसे जाने दो सर, मैं अपनी फ्रेंड को घर छोड़ के वापस आऊंगा, सिर्फ आधा घंटा दीजिए मुझे। हाँ, और तब तक मैं इधर बैठ के क्या डांडे खेलूं? लेकिन सर, अरे पेपर दिखा और जाओ ना। लाइसेंस दिखाया ना आपको? इंश्योरेंस आरसी बुक सब इसके फ्रेंड के घर पे है। बहुत वजन है क्या? लेके नहीं घूम सकते? कायदे कानून कुछ है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है सर? ये बैरिकेड हटा के अंदर घुस के आ गए सर। क्या है तुम्हारा नाम? राजा सर। सर हम पहले मिल चुके हैं, ECP यशवर्धन क्राइम ब्रांच में थे। सर मैं आस्था के लिए काम करता हूँ, हमारे डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए आपसे मिला था पिछले साल जोगेश्वरी में, याद है ना सर? तुम्हारा नाम क्या है? माया। एड्रेस? P501 साई सदन साई बाबा कॉलोनी कोरेगांव ईस्ट। उस दिन तो बताने से मना किया था तुमने। सर गाड़ी का पेपर भी नहीं है। कहां से आ रहे हो आप लोग? हब से नाइचो देके आ रहे हैं। ये आपकी सिस्टर है? नहीं सर, फ्रेंड है। फ्रेंड मतलब? फ्रेंड मतलब फ्रेंड। फ्रेंड, इट्स लेट एट नाइट, यूर आउट विद अ गर्ल, यूर रोमिंग विदाउट पेपर्स, यू रिमूव अ पुलिस बैरिकेड नोइंग दैट इट्स केप्ट देयर फॉर अ पर्पस। व्हाट काइंड ऑफ अ फ्रेंड डज दैट मेक यू? A stupid one, I think. I'm sorry, sir. It's okay. जाने दो इसे. Sir. Thank you, sir. चलो. गाड़ी का पेपर हमेशा साथ में रखने का. पहली बार हुआ है सर, इंश्योरेंस और आरसी बुक मेरे पास नहीं है. तो भी गलती किसका है? सर, हमें स्टबल टैटू वालों से डरती हो. Sir. और क्लीन शेवन चश्मे वालों के साथ पुलिस बैरिकेड हटाती हो. इंटरेस्टिंग. मोरे, तू आज भी नहीं मिलता तो मैं सच में ड्रग पेडलर बन गया होता। यश, क्या हुआ? मोरे ने किसी और का नाम बताया? नो सर। तो फिर इतनी जल्दी क्या थी? हम लोग कल भी मिल सकते थे। एक नया इन्फॉर्मर मिला है। किस चीज की इंफॉर्मेशन? आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले एसिटिक एनड्राइड से चालू करूंगा, फिर LSD, हेरोइन, मैंड्रेक्स, केटामाइन के बारे में बताऊंगा। और क्वांटिटी? पुड़ी तोला किलो।
ये सब छोटी छोटी क्वांटिटीज भूल जाइए। बस इतना समझ लीजिए कि मुंबई के अंदर माल आना बंद और मुंबई से बाहर माल जाना बंद। The only way to prevent a leak is a small and efficient unit. आपके और मेरे टीम के अलावा हम किसी के साथ ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। कुछ नाम सोचे? अतुल कलसेकर। He knows the NDPS Act by heart. उसके प्रिपेयर किए हुए केसेस NDPS कोर्ट में हमें कन्विक्शंस दिलाने में हेल्प करेंगे। हेलो। Who else? एक नया रिक्रूट है, महेश पांडे। कैसा है? महेश, बिल्कुल सेल्समैन लग रहे हो। प्लेन टी-शर्ट और जीन्स में क्या प्रॉब्लम है? रचना, NCB है, तुम्हारा कॉल सेंटर नहीं है। He will be a big plus. मेरा एक सजेशन है। थोड़ा पागल है, लेकिन उसका ऑन स्ट्रीट नेटवर्क और इंटेलिजेंस कमाल की है। कमलेश सावंत। अच्छा हुआ सब नंगे ही मिले, अब चेक करने में आसानी होगी। तो बच्चा लो, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए तैयार। बॉयस, यश इज इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन। तुम सब डायरेक्टली यश को रिपोर्ट करोगे। मैं आपको चार गैंग्स के बारे में बताऊंगा। हम लोग चार मेजर ग्रुप्स को हैंडल करेंगे। पूरा धंधा इन चार गैंग्स में बटा हुआ है। पहला रैकेट है एसिटिक एनहाइड्राइड। इस केमिकल को बनाने वाली फैक्ट्री पे आपके एनसीबी वालों की नजर रहती है। कोई भी केमिकल फैक्ट्री से डायवर्जन नहीं है। गैंग की सेटिंग कंपनी के लॉरी ड्राइवर्स के साथ है। उनसे ये थोड़ा थोड़ा माल चुरा के बड़ा कंसाइनमेंट पूरा कर लेते हैं। गैंग का बेस है कच्छ। गैंग लीडर है कुंवर। हैंडलर का नाम धर्मेश। एसिटिक एनहाइड्राइड एक प्रीकर्सर केमिकल है। मैंड्रैक्स बनाने के लिए और ओपियम से हेरोइन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। धर्मेश, मुझे तू नहीं चाहिए, तेरा 15 लीटर नहीं चाहिए, मुझे कुंवर चाहिए। कौन कौन कुंवर सर? अफसोस, गलत जगह। सर, यहाँ से 18 किलोमीटर पे सर बॉर्डर पर एक गांव है पानी। कुंवर अपना सारा धंधा वहीं से करता है सर। इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री गोवा में है। मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स, पेडलर्स सब फॉरेनर्स हैं। इस पूरे धंधे पे यूक्रेन की एक गैंग ने अपना कब्जा करके रखा है। ये लोग दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं करते। उनके लीडर का नाम है ब्रूनो। मुंबई में सबसे ज्यादा हेरोइन पंजाब बॉर्डर के थ्रू आता है। जलंधर प्रिजन में कई सालों से एक अफगानी ड्रग स्मगलर बंदी है, रियाज जट। इंडियन बॉर्डर तक उसी के आदमी माल लाते हैं। अफगानिस्तान से आने वाले इस हेरोइन से इंडिया में मेजर टेररिस्ट ऑपरेशंस फाइनेंस हो रहे हैं। वहां से फिर इस पार और मुंबई में माल लाने की जिम्मेदारी है पम्मी और रजिंदर की। दोनों स्टेट लेवल एथलीट्स थे। पॉलिटिक्स, BSF, पुलिस, हर जगह पे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं। मेरा काम है बॉर्डर तक पहुंचाना, बाकी मेरे आदमी देखना है। ये पुलिस की फिक्र ना करे। मुंबई से हीरोइन कौन लेके जा रहा है? केड़ी हीरोइन साहब जी? माधुरी की कृष्णा साहब जी। साहब जी गलत दसो किया साहब जी। सोलन, हिमाचल प्रदेश।
सोलन में कई आम दवाइयां बनाने वाले फैक्ट्रियों के बीच मैंड्रेक्स की फैक्ट्री है। मुंबई में आजकल सबसे ज्यादा मैंड्रेक्स वहां की एक फैक्ट्री से आ रही है। फैक्ट्री को चलाने वाले का नाम है मोहिंदर सिंह उर्फ मॉन्टी। एसीपी सर, हाय। हेलो माया, जानता हूँ अब तक याद है। आई वांटेड टू अपोलोजाइज टू यू सर, मैंने 3 बार आपसे नॉनस्टॉप बदतमीजी की। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि आप एक नारकोटिक्स ऑफिसर हैं। आपके ऑपरेशंस बहुत अच्छे जाते होंगे सर, आप थोड़े गुंडे टाइप दिखते हैं। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मतलब कभी कभी जब आप लगना चाहते हैं। आपका एंकलेट वापस करते समय नहीं लगना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली लगा। वो तो मैं एंकलेट का बहाना बनाकर आपका नाम, पता, सनसाइन, एड्रेस यही पूछने आया, राइट? नो 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 सर, फर्स्ट इंप्रेशन, ऑडिटोरियम के बाहर, यू नो, थोड़ा गड़बड़ हुआ। यूज अ ड्रग पेडलर। आई नो, मतलब आई रियलाइज लेटर कि उसने ही कोई गलती की होगी। एंड आई अश्योर यू, एनसीबी वाले जेब में पाया लेके नहीं घूमते। तो बोलिए क्या? अब सॉरी बोलना चाहती थी, आपने बोला नहीं। आई एम सॉरी, आई मीन आई एम रियली रियली सॉरी। योर अपोलॉजी इज एक्सेप्टेड। यहाँ क्या कर रही है आप? हमारे एनजीओ के बच्चे फंक्शन में एक डांस ड्रामा प्रेजेंट कर रहे हैं। जिंदगी में सिर्फ 2 चीजों से मुझे डर लगता है, डांस एंड ड्रामा, और ये बच्चे दोनों एक साथ कर रहे हैं। ब्रेव किड्स। क्यों कड़क सिंह, सफेद पायजामा कुर्ता पहना नहीं आज? क्यों सर? अरे मैयत जा रही है ना आज, अरविंद ने राम नाम सत्य गड़ाला सबका। यश, अरविंद काफी डिपेंडेबल इन्फॉर्मर प्रूफ हुआ। अरविंद के बारे में आईबी के पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं। अरविंद की कोई नॉन ड्रग लिंक्स नहीं है। एक फेल्ड आंध्रा सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, ज्यादातर इंडिया के बाहर ही रहता था, यूएस, सिंगापुर, दुबई। कैसे आप? दुबई में उसकी बेटी की मौत हुई थी, रीजन अननोन। उसने कहा था उसकी बेटी की मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी। एक आउटसाइडर के पास ड्रग्स के बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन कहां से? I just hope कि अरविंद का यही मोटिव था, कुछ और नहीं। दारू। सब गैंग्स खत्म कर दिए एनसीबी वालों ने। तो विष्णु जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। कैसे हो विष्णु? अच्छा हूं अन्ना। अरविंद को जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। अब तुमको आना पड़ेगा विष्णु। आ रहा हूं अन्ना, जल्दी ही आ रहा हूं।
हेलो यशवर्धन सर स्पीकिंग हु इज दिस सर माया आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू माया यू रिमेंबर राइट डांस और ड्रामा कैसे भूल सकता हूँ सर एक प्रॉब्लम है सॉरी सर मैंने आपको यहाँ बुलाया इट्स ऑलराइट रोशनी शी इज वन ऑफ आवर बेस्ट लोकल हेल्पर्स हेलो रोशनी हेलो सर प्रॉब्लम क्या है रोशनी संजय नगर से है वहाँ लड़कों का एक ग्रुप इसे रेगुलरली तंग करता है इनफैक्ट उन लड़कों ने इसको धमकी दी है कि इसने किसी से कुछ कहा तो इस पे एसिड फेंक देंगे दैट इज व्हाई आई हैड टू स्टे बैक विद हर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए इसलिए आपको कॉल किया वहां है वो तीनों उस चाय की दुकान पे चल के घर की तरफ जाओ सर डरो नहीं जाओ मदर तेरेसा प्लीज मुझे जाने दो अपने आप को साइलेंट मोड पे डाल के चुपचाप बच के निकलना चाहती है क्या अपन बोल किधर रहा है तू देख किधर रही है प्लीज मुझे छोड़ दो ये बात करके टाइम खोटी होने को है उसके चेहरे पे एसिड फेंक के मारो तब जाके बात उसके भेजे के अंदर जाए नहीं सही बोल रहा है जा एसिड की बोतल लेके नहीं प्लीज ऐसे मत करो नहीं 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 करना पड़ेगा नहीं प्लीज तुझे समझ में नहीं आएगा ना अब तो डालना है पर तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ ये चल चल ऐसी मत करो प्लीज पर तुझे समझ में नहीं आएगा अब तो डालना ही पड़ेगा फेंको 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 ये कौन है बे पुलिस वाला लगता है सर ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे सर हम लोग ये एसिड नहीं है सर डीएमसी के नल का पानी है आप देखो ना ऐसे ही मजाक कर रहा था पिस्तौल है गोली नहीं यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए यप या सर सच में ऐसा होता तो मुझे टपोरी को देखते ही उसकी औकात का अंदाजा हो जाता है फिर भी एसिड होता तो चेहरा जल जाता ऐसा सोचने से भी डर लग रहा है मुझे और आपने इतना कैजुअली बोल दिया थैंक गॉड नहीं था अतुल बस अभी पहुंचे बिल्डिंग के नीचे ही हम लोग ओके बाय एसीपी सर हाय हेलो वहां कॉफी शॉप में एक फ्रेंड के साथ बैठी थी तो आपको देखा वुड यू लाइक टू जॉइन अस सॉरी आई एम स्लाइटली बिजी हमारी एनडीपीएस कोर्ट में हियरिंग है तो फ्री होने के बाद आ जाइए हम लोग वेट कर सकते हैं ये सूखे पेड़ पे गुलाब का फूल कब खिल गया पता नहीं कितना टाइम लगेगा आई एम नॉट श्योर आप लोग मेरा वेट मत कीजिए प्लीज कैरी ऑन ओके ओके
बाय। इसके आगे हमें इन्हें भी सैल्यूट करना पड़ेगा। कैसे हैं आप? ये तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। वही क्वेश्चन अवॉइड कर रही थी। झूठ नहीं बोल सकती ना, बहुत दर्द कर रहा है। डोंट वरी, यू'ल बी ऑलराइट। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। केस हारने के लिए मुझे ब्लेम मत कीजिए। चुपचाप साथ में कॉफी पी लेते तो सेव माय मिशन में इन्वॉल्व नहीं होते। डोंट वरी, केस हम जीत गए। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रही हूँ। आपकी तरफ देख रही थी, सामने ध्यान ही नहीं दिया। ये लो। थैंक्स, इट्स ओके। चले सर। हाँ, इतनी कड़क स्त्री क्यों करता है कड़क सिंह? अरे क्रिस से किसी का गला कट जाएगा। स्टार्ट हो गए ना अब सुबह सुबह। यश वही हॉस्पिटल में है क्या? तेरे को बताता हूँ कड़क सिंह, ये अतुल ने स्वाति के साथ सात फेरे ले लिए, तू रचना के साथ 3.5 फेरों में ही खुश है। अब बचे यश और मैं। यश तो हॉस्पिटल वाली के फेरे में आ गया। भगवान का ध्यान ही नहीं जाता मुझ पर, क्योंकि मैं थोड़ा सा काला हूँ। लेकिन अब यश गया। नहीं सर, यश सर ऐसे नहीं है। लेकिन लड़की वैसी है ना, मुझे भी मिली थी, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी भागते भागते उसके पास गया था, उसे दोनों हाथों से उठाया था और हॉस्पिटल लेके गया था। लेकिन हॉस्पिटल से लेने के लिए उसका पति आ गया। ये शादीशुदा लड़कियों ने कंपलसरी मंगलसूत्र पहनना चाहिए। पास आज बना लिया है क्या? क्या नहीं, आधा टाइम तो हॉस्पिटल में रहते हो, अटेंडेंट पास बनवा लेना चाहिए। स्वाति, टोटल 2 बार गया हॉस्पिटल। काम ही जाना, ओके? कहीं प्यार व्यार ना हो जाए, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। कम ऑन स्वाति, आई फील गिल्टी, मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए गया था। I know, very sad. महेश कुछ कह रहा था actually. I don't believe him, लेकिन I don't know. क्या कह रहा था? नहीं, कह रहा था कि हॉस्पिटल जाते वक्त सर की आंखों में कुछ कचरा वचरा आ गया था, कुछ पानी वानी निकला था क्या तुम्हारी आंखों से? कुछ याद नहीं। I was worried, you know? Hey, loser, थोड़ा ह्यूमन एक्ट करोगे तो क्या इज्जत कम हो जाएगी तुम्हारी? I was worried. मुझे पता है हॉस्पिटल सिर्फ 2 बार गए हो, लेकिन मेंटली तो वही रहते हो ना? Why can't you admit it? Why can't you admit it कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है? प्यार? स्वाति, आई डोंट थिंक मैं आगे उसे कभी मिलने भी वाला हूं। एसीबी सर, कॉलेज में मेरा एम्बिशन था एक फ्रैक्चर तो हो जाए, छोटा सा हेयरलाइन यहां लेफ्ट आर्म पे, मस्त बॉयज का अटेंशन, सिंपथी। पर एक्सीडेंट लेट हुआ, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग साइड, रॉन्ग लिप, फिर भी आई लाइक इट। सबने कोई ना कोई क्यूट मैसेज लिखा। यू वांट टू ट्राई योर हैंड? इस भी सर, कोई प्रॉब्लम है? आई मीन, आजकल हर कोई आता है तो टेबल पे फ्रूट्स, बुकेज रखता है, बट दिस इज स्पेशल। थैंक यू फॉर द गन एसीपी सर।
Just joking. एसीबी सर, आप हर लड़की के साथ इतना awkward फील करते हैं या मैं कोई स्पेशल केस हूँ? नॉर्मली जिन लड़कियों से मिलता हूँ वो कैरियर्स, पेडलर्स, यूजर्स या इन्फॉर्मर्स होते हैं और मैं उनके साथ काफी कंफर्टेबल फील करता हूँ। ओह, तो मेरे नॉर्मल होने की वजह से आप अनकंफर्टेबल हैं? नहीं, मैं अनकंफर्टेबल इस चेयर की वजह से हूँ। चेयर की वजह से? हाय दीदी। हेलो। एसीपी यश, मैं चाय बना के लाती हूँ। रिवर्स केस, आपकी दीदी मेरे साथ काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। सर डोंट माइंड, पुलिस वालों के साथ हर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है। वी नॉर्मल पीपल, वी नॉर्मल पीपल एंड आई एम अ नॉर्मल पर्सन। तो आप नॉर्मल हैं, ये तो टाइम ही बताएगा आप कितना नॉर्मल है एसीपी सर। हारी मान गया था। मैंने नहीं मानी थी, क्या करूं, आपसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता था। अच्छा हुआ तो आ गया विष्णु। अब आगे क्या प्लान है? फील्ड खाली है, कंपटीशन जीरो है, डिमांड ऑल टाइम हाई पर है। अब हम बिजनेस करेंगे एंड टुगेदर वी रूल इंडिया। सिर्फ एक प्रॉब्लम है। वो क्या? यू नो व्हाट, आई एम सो बोर्ड। लाइफ के चार हफ्ते वेस्ट कर दिए मैंने, घर में पड़ी रही, टीवी पे कुछ खास आता नहीं, दीवारों का कलर उन्हें देखने से बदलता नहीं, और फिर आज वीकेंड भी है। मैं पंचगनी जा रही हूँ दीदी के घर, उन्हें मिस कर रही हूँ। एसीपी सर, आप चलेंगे मेरे साथ? कब जा रहे हो तुम यश? नहीं जा रहा। अरे चला जा, चला जा, रिसेप्शन पे बुलाएगी ना तो पछताएगा। चलेगा, खाना खा के आ जाऊंगा। अरे यश, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो कुछ काम तो खास है नहीं यहाँ पे, हो आओ, छुट्टी हो जाएगी। आई लव यू अतुल। यू टू ब्रूटस। चाहिए सर जी, अब तो जूनियर भी बोल रहा है। गो यश। अरे नहीं जाना है मुझे, चुप रहो तुम दोनों। I had a great time. Thanks. काफी देर हो गई, चले। What? आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ जानती हूँ जो कोई नहीं जानता। क्या? ये नो नॉनसेंस सीरियस चेहरा आपने अपने प्रोफेशन में लोगों को डराने के लिए रखा है। अंदर से आप बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव हैं। माया, एक्सीडेंट के दिन पे देखा था मैंने, आपने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरा सर अपने गोद में रखा, रुमाल से ब्लीडिंग रोकने की। माया, मेरी जगह कोई भी होता यही करता। और उस कोई भी की आंखों में आंसू आ जाते। मैं होश में थी, देख पा रही थी,
फिर धीरे धीरे होश खोने लगी, लेकिन मुझे पता था मैं मरूंगी नहीं। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि जब मेरी आंख खुले तब आप मेरी आंखों के सामने हो, और वैसा ही हुआ। पॉइंट में आने में काफी टाइम लगा दिया मैंने, ये भी बोर होके डूब गया। ओके, लेट मी कम टू द पॉइंट। आई लव यू। You shouldn't have. I think I might have let you on. मुझे शायद वो roses नहीं भेजने चाहिए थे। I think हम friends हैं। ये हमें क्यों define करना है कि हम क्या हैं माया? But let's not call it love. क्या मैंने आपको teary-eyed होके emotionally blackmail किया? क्या दिन में white साड़ी में rain dance करके आपको seduce करने की कोशिश की? क्या फ्रेंड फ्रेंड बोल के कैजुअली आपका हाथ पकड़ा? ये सब कर सकती थी मैं, इनफैक्ट हर कोई लड़की कर सकती है, लेकिन नहीं किया। जो फीलिंग्स दिल में थी ऑनेस्टली आपको बता दिया। मैंने ये नहीं पूछा कि मैं आपको कैसी लगती हूं, मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। मैंने सिर्फ वो कहा जो मेरे दिल में था। यशवर्धन, मुझे पता था कि आप कुछ ऐसा ही जवाब देंगे, इसलिए मैंने कोई सवाल किया ही नहीं। चले, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? किस करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। वाओ, पहला ख्याल आया तो सीधा किसका ही आया? इट्स ऑल अबाउट सेक्स, राइट? बॉडी हाइट वेट ठीक लगा और प्यार हो गया। हाइट बॉडी वेट के अलावा ये बात भी तो है कि आप मेरे लिए रोए थे। काफी नहीं है। मतलब तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मेरे पीठ के पीछे या कभी कभी मेरे ही सामने लोग मुझे खड़ूस सूखा पेट बुलाते, ये सुन के भी मैं बदला नहीं। अगर तुम भी सुनाओगी तो बदलने का सवाल ही नहीं है। अरे इतने अच्छे आइटम को क्यों बदलूंगी, पागल थोड़ी हो? आइटम आजकल लड़कियों के लिए लड़के आइटम हो गए। अगर गंजी पहन के मसल दिखा दी तो खुश, अगर आइटम स्विमिंग पूल से बाहर निकला और पोज मारा तो खुश, लेस उतार के भी एक लुक दिया तो भी खुश, और अगर कल को वो आइटम 24 घंटे ड्यूटी पर जाए तो, अगर वो आइटम हर आधे घंटे में तुम्हारा फोन काटे तो, अगर वो आइटम उस डिस्को में रेड मारे जहां तुम डांस कर रही हो तो, अगर वही आइटम ने अरेस्ट कर लिया तो भी चलेगा। प्यार में सब चलता है। What do you want, Maya? तुम मुझसे क्या चाहती हो? पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, खुश रहूं, तुमसे बातें करती रहूं, कभी कभी लड़ा करूं, फिर तुम्हारे कंधे पे सर रख के रोया करूं। जितनी आज हूं कल भी तुम्हारे पीछे उतनी ही पागल रहूं। हर लड़की की तरह और भी बहुत कुछ करना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, हमेशा इन आंखों में देखती रहना चाहती हूं, और फिर एक दिन आंखें बंद करके तुम्हारी बाहों में चैन से मर जाना चाहती हूं। बस इतना चाहती हूं। I love you. I always have.
पहली बार देखा था तब से बस मैं झूठ बोल रहा था अपने आप से तुमसे, इसीलिए मैं बताना नहीं चाहता था। मुझसे शादी करोगी? नो नो ये सब बकवास है, लेकिन ये फाइल मेरे काम की है। अरविंद की इंफॉर्मेशन पे इन चारों ने चार गैंग्स को अकेले खत्म कर दिया और अरविंद इन्हें हम तक पहुंचा सकता था, जो हमारे लिए खतरनाक था। मैंने खत्म कर दिया, लेकिन ये चारों अभी जिंदा हैं। इनकी और इनके फैमिली की मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब फैमिली डिनर पर थोड़ी बुलाना है हमने, कंपटीशन तो खत्म है विष्णु, भूल जाओ इनको। नहीं भूलना चाहिए, सिंहावलोकन। मतलब? सिंह, शेर। शेर भी पांच कदम चलने के बाद हमेशा मुड़ के पीछे देखता है कि कोई पीछे है तो नहीं। मुंबासा में मुझे मारने का प्लान बनाना, कंपटीशन साफ करना, ये मेरे फुल प्रूफ प्लान के दो स्टेप थे। लेकिन तीन स्टेप लेने के बाद अगर मैं गलती करता हूं और पीछे मुड़ के देखता हूं तो यही चार लोग खड़े होंगे। इनकी ताकत का तो मुझे पता चल गया, बस कमजोरी जानना चाहता हूं। क्या? सर। ओके, तो शादी की डेट पक्की, 23 मार्च। एक महीना है, वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम शॉपिंग कर लेंगे। अरे ये आपने क्या जीजी लगा रखा है, मुझे लगता है कि आप अभी भी इनसे अनकंफर्टेबल हैं थोड़ी। प्लीज, ये पुलिस वाले नहीं है, ये एनसीबी वाले हैं। So, finally विकेट गिर गया। गेला। क्या करूं? प्यार हो गया। होता है, होता है। कमजोर पड़ गया। अरे नहीं यार यश, नो कमजोर हूं सर। इंफॉर्मेशन तो मिली है लेकिन ये चारों अंडर कवर है, इससे क्लियर फोटो मिल ही नहीं पाई। अतुल कलसेकर विले पार्ले में रहता है, मैरिड है। महेश दिल्ली इनकम टैक्स से ट्रांसफर होके आया है। इसकी गर्लफ्रेंड है रचना, कॉल सेंटर में काम करती है। कमलेश सर फिर है, लेकिन इसकी मां रालेगांव सिद्धि में रहती है। और चौथा? इसका ना कोई अपना है और ना ही कोई कमजोरी। मेरा अकेला होना ही मेरी ताकत थी। 8 साल के करियर में एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर कहने के पीछे एक क्लियर वजह थी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। हो नहीं सकता, हर इंसान की एक दुखती रग होती है, लेकिन अब माया है, शायद माया मेरी वो कमजोरी बन जाएगी। बस उसकी दुखती रग को ढूंढ कर दबाने की जरूरत है, सांसें अपने आप गले में अटक जाएंगी। विष्णु घर में रहना चाहिए था, इस तरह होटल में। मैं यहाँ हूँ, ये हम जानते हैं और हमारे आदमी, बाकी सब के लिए विष्णु मुंबासा में मारा गया। ड्रग म्यूल्स, कुरियर्स पकड़े जाते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, नहीं पकड़े जाते तो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता, इसीलिए अब हम बड़ी शिपमेंट भेजेंगे। किसकी? कैरामाइन, चेन्नई में 35,000 पर केजी और केनिया में 10 लाख रुपया किलो। एक टाइम पे एक जेन्युइन एक्सपोर्टर के कार्गो में एक बोरी कैटामाइन, प्रॉफिट 10 करोड़। पैसा अपने पीछे निशान छोड़ता है, एनसीबी डीआरआई इसी पैसे की ट्रेल को पकड़ लेती है, लेकिन हम पैसे में डील नहीं करेंगे। एसेटिक एनहाइड्राइड यहाँ से अफगानिस्तान जाएगी और अफगानिस्तान से आर्म्स और हेरोइन यहाँ आएगी, कुछ हेरोइन यहाँ बिकेगी और बाकी यहाँ से यूरोप जाएगी। वही ग्रेड फॉर हेरोइन जो यूरोप में बिकती है, उसके बदले में हमें मुंबई में कोकेन मिलेगी। फर्नीचर में हेरोइन बेल्जियम जाएगी और टिम्बर के अंदर कोकेन यहाँ मुंबई में आएगी। फाइनल स्टेप, पेडलर से जो कैश आएगा उसे हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस के थ्रू वाइट कर देंगे।
दैट इज इट। आज मार्केट में मेरे अलावा तुम्हें कोई कोके नहीं दे सकता। प्लेस, मनी, टाइम सब मैं डिसाइड करूंगा। कोके ने सर, हेरोइन नहीं, होड़ी कर गया। पॉसिबली बिकॉज इट वॉज मच प्योर देन व्हाट वॉज नॉर्मली अवेलेबल हियर। ये क्वालिटी अचानक इतनी इजीली अवेलेबल कैसे हो सकती है? ग्रेड फोर प्योरिटी हीरोइन मुंबई में ग्रेड थ्री के प्राइस पे बेची जा रही है, ब्राउन के प्राइस पे व्हाइट। इसका मतलब डीलर नया है सर, अपनी मार्केट बना रहा है। पेडलर को सप्लायर की हवा तक नहीं है, टेली मार्केटिंग कर रहे हो। कोकेन चाहिए, जगह, टाइम, प्राइस सब हम बताएंगे। एक पॉइंट से कैश उठाते हैं, दूसरे पॉइंट पे माल छोड़ देते हैं। बेल्जियम एंटवर्प एयरपोर्ट 70 kg, कनाडा मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट 20 kg। फ्लाइट्स केम इन फ्रॉम मुंबई। इट आल्सो मींस जो ग्रेड फॉर हीरोइन बाहर जा रही है वो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कंपेयर टू कनाडा, यहाँ से बेल्जियम के लिए काफी कम एक्सपोर्ट्स जाते हैं। फ्रेट मूवर से पता करो कि एंटवर्प के लिए रेगुलर कंसाइनमेंट्स कौन भेजता है। You're right. वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, वो अपना कंपटीशन खत्म कर रहा था। अरविंद, वी नीड टू बी मोर कॉशियस। अरविंद की ट्रेल अचानक खत्म भी हो सकती है। और ये अरविंद, इसने कभी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया? नहीं सर, इट वॉज ऑलवेज कैश। तो आईडी प्रूफ क्या दी उसने? पासपोर्ट है सर। हैदराबाद का एड्रेस है, मेरी दिल्ली बात हो चुकी है, आई विल गेट लोकल हेल्प। अतुल कहाँ तुम? विशाखापट्टनम। अरविंद मिला? हाँ मिला। अरविंद के घर पर यूएस का एयर टिकट मिला, 10 साल का यूएस वीजा है उसके पास, तो फिर वो विशाखापट्टनम क्यों गया? अरविंद से वादा किया गया होगा कि काम खत्म होने के बाद वो यूएस जाएगा। और भेज दिया ऊपर। उस आदमी को यहाँ के सभी गैंग्स के बारे में पता था। और कंपटीशन को हमने खत्म कर दिया। डिमांड हाई थी, सप्लाई कम था, एक ही झटके में साले ने 1000 करोड़ों का धंधा कर लिया। सर एक फर्नीचर एक्सपोर्टर है, ताहिर मिर्जा। इसमें से 50 किलो बेल्जियम जाएगा। ये उसके कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के इनवॉइसेस हैं सर। सब क्या रेड्डी कमाएगा क्या? बेल्जियम वाले क्लाइंट को भेज दे। बेल्जियम में बैठे उसके क्लाइंट्स फर्नीचर नहीं, उसके अंदर का हीरोइन खरीद रहे हैं। 5000 यूरो में वो एक सोफा एक्सपोर्ट कर रहा है और 2000 यूरो में एक सेंटर टेबल। एंड टू टॉप इट ऑल, जो टिम्बर वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हार्डली यूज होता है, फिर इतना इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? टिम्बर नहीं, वो भी उसके अंदर का माल खरीद रहे हैं। देखा क्या पॉलिश किया है, पुलिस का कुत्ता भी हमें पकड़वा नहीं सकता। कहाँ ये मालामाल फर्नीचर वर्कशॉप? क्यों ताहिर भाई, अकेले इतना दिमाग चलता है या फिर पीछे कोई एक्सपर्ट पैनल है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में रेड्डी से मुलाकात हुई, एक दिन उसने कहा ईट पत्थर रेती में उतना पैसा नहीं जितना पाउडर में है, फिर वही पैसा हम लोग रिटेल स्पेस मॉल्स में डालने लगे। पहले गुड़गांव, फिर हैदराबाद और अब मुंबई में मॉल्स खोलने वाले। जॉपर इनॉग्रेशन के दिन चार्ली लेकर आएगा। इनॉग्रेशन के दिन रेड्डी चार्ली उठाने आएगा। अकेले? अकेले।
तबीयत ठीक नहीं है आपकी अन्ना? कोकेन देखते ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अन्ना, वही डील है विष्णु, हीरोइन के बदले कोकेन, पहली डील है ना, इसलिए फेस टू फेस होना जरूरी है। मैंने पहले तुमसे कहा था, तुम्हें आने की क्या जरूरत है? बड़ी मुश्किल से वापस मिले हो विष्णु, जा क्राउड में मिक्स हो जा, सिर्फ नजर रखना। डील में मैं उनके साथ रहूंगा, आप दोनों को पहचान सकेंगे। सेकेंड फ्लोर पे होगी, वहां एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। वहीं पर दोनों हेरोइन और कोकेन एक्सचेंज करेंगे। साबित करते रहो कोर्ट में, है? किसने कहा मैं तुम्हें अरेस्ट करने वाला हूं? यश, आराम से। यश, काम डाउन। ताहिर है, उसका बयान मिल जाएगा। मॉल में रिकवरी हो जाएगी। तू इमेजिन नहीं कर सकता इसके पास कितना पैसा होगा। एनडीपीएस कोर्ट में किस किस लॉयर को खड़ा कर सकता है। गन फायर हुआ इसका, ठोक देते इसे। ये क्या सर? ये एनसीबी वाले हैं, ये एनकाउंटर्स चुप करना, मुझे अरेस्ट कर लो सर। 13 दिन पहले तेरी लाई हुई कोकेन से एक 19 साल का लड़का और एक 21 साल की लड़की मर गए। भाषणगिरी बंद कर, अरेस्ट करो ना मेरे को। नो 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 यश, डोंट शूट यश। अच्छा तो सर, यश वी नीड हिम अलाइव, यश वी नीड हिम अलाइव। अच्छा तो यू डोंट अंडरस्टैंड अबाउट क्लेम। Thank you.
I have no regrets, sir. आज तक रेड्डी जैसे कितने क्रिमिनल्स को आपने ह्यूमन राइट्स इंक्वायरी कमीशन में बुलाया है? कभी बुलाया होता तो शायद ये रियलाइज होता कि दे हार्डली ह्यूमन. सर, यू ओवरलुकिंग द फैक्ट्स. जब वहां दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी तो मुंबई के कई इंपॉर्टेंट सिटीजंस प्रेजेंट थे. फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, मे बी दे आर टू बिजी, किसी ने अपने ऑब्जर्वेशन इस कमीशन के सामने नहीं रखी. कसब जैसे टेररिस्ट पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 करोड़ खर्च किए हैं. अब रेड्डी जैसे अनऑफिशियल टेररिस्ट पे 2 करोड़ और खर्च करने? 2 करोड़ का काम हमने 200 की गोलियों में कर दिया है सर. आगे ऐसी सिचुएशन आए तो मैं वही करूंगा जो मैंने किया. डिसीज की विडो सौंदर्या रेड्डी और वासु वेलचेट्टी की पेटिशन के अकॉर्डिंग आप उन्हें अरेस्ट कर सकते थे. इज इट ट्रू मिस्टर कलसेकर? यस सर. रेड्डी को हम जिंदा पकड़ सकते थे. ताहिर हमसे छुपकर हेरोइन बेच रहा था, इसीलिए पकड़ा गया. उसी ने अन्ना की इंफॉर्मेशन दी और विटनेस बन गया. कहां मिलेगा कुछ पता है? एनसीबी का प्रोटेक्शन में, मुंबई का आसपास. आसपास मतलब कहां? बाला जरा समझा इसको, थोड़ा दिन चुप बैठने का. नहीं और... बैठ सकता, मेरा भाई मरा है. ए विष्णु, देखो तुमको कोई नहीं जानता है, सब मुझ पर शक करेगा ना. समझाता हूं. ये क्या लगता है तुम्हारा? ये कुछ नहीं, मेरे लिए काम करता है. क्या नाम है इसका? अजय. अजय? हाँ. अजय तुम्हारा भाई है? मैं समझा नहीं. समझाता हूं. विष्णु, तो अजय तुम्हारा भाई था जिसे मैंने मार दिया. अब तुम ये जानते हो, मगर ये नहीं जानते कि मैं कहां हूं. अगर तुम्हें कोई बताने से इनकार कर दे और तुम्हारी मदद ना करे तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे साथ वही करने वाला हूं. मैं पता करता है विष्णु. गुड. ताहिर का तुम पता करो, एनसीबी को मैं देख लूंगा. पहली बार सस्पेंड हुआ था तो मैं भी ऐसे ही चल रहा था. ये भी कोई बात हुई सर? वो रेड्डी का सोशल वर्कर था, हमें सस्पेंड कर दिया. ओए कड़क सिंह, अरे आ बैठ जा बैठ जा. अरे ये पीरियड एंजॉय करने का भाई. रिलैक्स महेश, कम सिट. मेरी यूनिट में रहोगे तो आगे मिलके बहुत सस्पेंड होना है. लूजर्स. क्या है एसीपी सर? मुझे लगा ऑपरेशन सक्सेसफुल है, शादी से पहले प्रमोशन वमोशन मिलेगा, उल्टा सस्पेंड हो गए. अब मुझे ये पालना पड़ेगा. आधा पालना पड़ेगा, आधा पे मिलेगा ना. वाह, एक तो करप्ट नहीं, ऊपर से हाफ पेमेंट. हाय मेरी फूटी किस्मत. अरे मैडम, उतना ज्यादा वक्त मिलेगा साथ रहने को. शादी, हनीमून, मजा करो. अरे किस्मत तो मेरी फूटी है, लड़की नहीं मेरे पास. हाँ लास्ट टाइम थी, लेकिन मैं सस्पेंड नहीं था ना. मेरे को एक बात बता, तुझे हमारा कड़क सिंह मिला किधर? ओके. क्या सर? क्या भाई? अतुल और स्वाति अभी आ रहे हैं. अच्छा, तुम्हें पता है स्वाति उसे बात ही नहीं कर रही है. स्वाति पागल है, अतुल कैसा है सबको पता है. इफ ही सीज दैट एनीबडी इज आउट ऑफ लाइन, वो अपनी बात पर अड़ा रहेगा. जोनल डायरेक्टर को भी सस्पेंड करवा सकता है. चलें. चलो. You already have. You give me good, usable intel. All this tree of souls place. Yeah, I got them by the balls with that one. It's turned into a shit fight with you. फोटोग्राफी आपकी हॉबी है? नहीं, किसने कहा तुमसे? नहीं, ये डार्क रूम देखे ऐसा मुझे लगा. एक्चुअली मुझे अंधेरा पसंद है. रहने नहीं वाला है आपकी लाइफ में. मुझे साइलेंस भी पसंद है.
वो तो भूल ही जाओ सर, कर्टन्स कभी कभी बंद रख सकती हूँ। मुंह? नो वे। अमी ले पकड़ इनको। कौन है आप लोग? विष्णु तू तो केनिया में नहीं मरा। हाँ? ना मुंबासा में ना उस मॉल में जिसका पता तूने एनसीबी को दिया था। गलती हो गई। नहीं, विष्णु छोड़ दे मुझे, मुझसे गलती हो गई विष्णु, मुझे माफ कर दे विष्णु, मुझसे गलती हो गई। हुई ना? हाँ? तो सजा तो देनी पड़ेगी। बाला आगारू खत्म कर दे इन सबको। नहीं विष्णु, सब कुछ मैंने किया है, उन्हें छोड़ दे, उन्हें क्यों सजा दे रहा है? सजा देनी तो मुझे दे दे विष्णु। तू समझ नहीं रहा है, सजा मैं तुझी को दे रहा हूँ। बाला ज्यादा देर रोएगा तो तेरा गम हल्का हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूं कि तेरा गम हल्का हो। डार्कनेस, साइलेंस, डिस्टेंस। सस्पेंड होने के बाद भी एसीपी खेलना बंद नहीं करते। मैं आप होती ना तो यहां मेरे साथ बैठी होती, आपको थोड़ा दाना डालती, हाथ पकड़ने से स्टार्ट करती और फिर कहां रुक जाती, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब ऐसे क्यों है? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, कोई ट्रैजिक बैक स्टोरी नहीं। फिर भी आई एम स्टिल अ लिटिल क्यूरियस, इतना फोकस, इतना पैशन, बिना किसी बैक स्टोरी के, व्हाई आर यू फाइटिंग सो हार्ड विदाउट एनी अप्रिसिएशन? पहले आईपीएस, फिर क्राइम ब्रांच, फिर एनसीबी, क्यों? तुम्हारी भी तो कोई बैक स्टोरी नहीं है, तो तुम एक एनजीओ के लिए क्यों काम करती हो? खुश रहना, खुशियां बांटना मेरा प्रॉब्लम है, आपका क्या प्रॉब्लम है? सो व्हाई डू आई डू व्हाट आई डू? यू नो, आजकल पेरेंट्स का सपना नहीं होता कि उनके बच्चे आर्मी में या पुलिस में जाएं। वो चाहते कि उनके बच्चे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट करें, डांसिंग सिंगिंग सुपरस्टार्स बने। तो ये सब काम कौन करेगा? आज मुंबई के किसी क्लब में एक तोला हीरोइन खरीदने वाला टीनेजर ये नहीं जानता कि उसी एक तोले के साथ शायद ताज या सीएसटी में चलने वाली एक गोली वो खुद फाइनेंस कर रहा है। हेलो, ताहिर और उसके फैमिली मेंबर्स को किसी ने मार दिया। हाँ अतुल। हाँ, रेड्डी का बदला लिया उन्होंने। तो तुम्हारे कंस्ट्रक्शन किंग का ड्रग रिंग अभी भी एक्टिव है? ऐसा ही लगता है। तो बताओ सर को, होम मिनिस्ट्री वालों को, ताहिर और उसकी फैमिली की ह्यूमन राइट्स की इंक्वायरी भी करें। ओ कम ऑन यश, अब और क्या बोल सकता हूं अतुल। ठीक है चल। हेलो, ताहिर की न्यूज मिली? कौन? वही जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। ताहिर को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी, उसने दी, मर गया। तुम चारों ने अन्ना को नहीं मारना चाहिए था, तुमने मार दिया, गलती की। अब तुम चारों भी मरोगे। और हाँ, उस लड़की के साथ आखिरी फिल्म देख ली तूने? क्योंकि तुझे मारने के बाद मैं उसे उठा लूंगा ताकि तुम मरने के बाद भी तड़पोगे। कौन बोल रहा है? एसीपी यशवर्धन, जिस दिन नाम बताऊंगा उस दिन के बाद कभी भूलेगा नहीं तू। भार्गव, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल रिक्वेस्ट येट, बस पता करो कॉल कहां से आया था। यादव। यस सर। गली में कैजुअली ग्राउंड लगा के आओ, देखो कोई है कि नहीं। ओके सर। हाँ यश, आई थिंक आई हैव गॉट योर मैन।
सारे आयोज और कांस्टेबल्स को मैसेज भेज दो, उनसे कहो कि मेरे घर के पास आके मिले। यस सर। वेपन्स के साथ। ऑटोज या टैक्सीज में आने को बोलो। No official vehicles are to be used. Okay. Okay. सर, वहाँ एक गाड़ी खड़ी है जो अपनी कॉलोनी की नहीं लगती। गाड़ी? हाँ सर, वो कॉर्नर पे वाइट जेन, थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर है। क्या हुआ सर, सब ठीक था? बस अतुल के घर जाना है। ओ, तो अतुल के घर हमेशा यहाँ से जाते हैं या मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? तुम पहली बार आई हो, सोचा दूसरा रास्ता दिखा दो। काम। हेलो। अभी भी अंदर है वो? हाँ। लड़की? वो भी अंदर है, उसके साथ बेडरूम में। सिक्योरिटी कितनी है? एक कांस्टेबल है। और कोई है आसपास? पुलिस की गाड़ी या आदमी? नहीं। अभी उड़ा सकते हैं उसको? हाय स्वाति। हाय। हाय। कम कम कम, तुम लोग निकल रहे हो क्या अभी? हाँ वो। ओके। स्वाति। क्या है? माया का। अच्छा ओ ओके, ठीक से बाय बाय बोलना है तो बोल लो, हम लोग आएंगे। नहीं नहीं, हम घर से प्रॉपर्ली बाय करके निकले। ओके, गुड नाइट देन, चल बाय। बाय माया। अतुल। ये तो गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। कौन था? कॉल ट्रेस हो गया। टेकीज बोल रहे कॉल्स चाइना से किए गए हैं। IMA नंबर्स नकली है, सिम कार्ड भी वही का है। राइट। सर ने क्या कहा? सर ने कहा कि कमलेश और महेश का होना जरूरी है क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं गैंगस्टर्स को। तुम टारगेट हो इसलिए तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। What about weapons? We'll see to it. Weapons की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ताहिर पे ऐसे ब्रूटल अटैक का मतलब वो रेड्डी का कोई करीबी है। इनफैक्ट वो रेड्डी को अन्ना बुला रहा था, बहुत गुस्से में था, पूरा दिन हमें फॉलो करता रहा। इनफैक्ट उसको ये भी पता था कि हम स्वाति के ऑफिस से फिल्म देखने गए थे। I'm sure उसी के आदमी मेरे घर के बाहर नजर रख रहे थे। आज रात वो डेफिनेटली हम पे एक अटैक मारेगा और फिर जाने का मौका मिलेगा वो आखिर है कौन। यश अगर वो नहीं आया तो? वो जरूर आएगा। Let's give him a surprise. आ गए। चलो चलो काम। यस सर। यस सर। सॉरी गाइस, तुम लोगों की नींद खराब कर दी। नो प्रॉब्लम सर। ओके, या तो बहुत ढांसू एक्शन होने वाला है या कुछ नहीं। नहीं हुआ तो माफ कर देना, और हुआ तो एंजॉय द एक्शन। बाय द वे, हम तीनों हैंडीकैप्ड हैं। वी हैव टू जस्ट वॉच अनलेस ये सब भाग जाए। लेट्स गो। महेश, कमलेश, याद है ना? आज बताना पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं, जब चाहूंगा तब बताऊंगा। एनसीबी के लॉकअप में बताने की चाहत अपने आप जाग जाती है। पहले एनसीबी के लॉकअप में पहुंचाकर तो दिखा यशवर्धन।
लगता नहीं है इस जन्म में पहुंचा पाएगा तू। There's a definite Hyderabad connection. Seizures are ready के properties को attach करने के excitement में हमने विष्णु को completely ignore कर दिया. What about the abandoned vehicle? Stolen sir, standard modus operandi. जिन gangsters की body मिली है, उनका identification करवा दो. Yes sir. मुंबई और हैदराबाद पुलिस की मदद ले लो. जी सर. यादव. Sir. You will head to Hyderabad in the morning. Okay sir. लेकिन sir, excuse me sir. यश और मैं ये केस अच्छी तरह से जानते हैं। I cannot revoke his suspension until I have the orders from the ministry. So this guy is dangerous and impatient. वो चुप बैठने वाला नहीं है। दोबारा हम पे अटैक करेगा और वो भी जल्दी। So please revoke our suspension. We know this case. Don't be paranoid, यश। वो जानता है हम तैयार हैं। दोबारा हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। थैंक यू सर। वासु का फोन आया था, डरा हुआ है वो। विष्णु गारू यहां बिजनेस में जान जाए या माल, हम लोग नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन पुलिस पर पलट कर वार नहीं करते। जानता हूं नहीं किया जाता, इसीलिए शुरुआत कर रहा हूं। वासु को समझाओ, इन चारों के साथ जो मैं करूंगा उसके बाद आगे एनसीपी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सोने जा रहा हूं, कल बात करते हैं। यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। ओके क्या था। ओके गुड नाइट।
सॉरी स्वाति, तुम्हें जगा दिया। इट्स ओके। ऊपर कमरे में सो रही है। क्या हुआ, कुछ आई है क्या? कुछ नहीं। ओके, कहाँ जा रहे हो? सोफा? कोई जरूरत नहीं है सोफे ऊपर भी सोने की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। जाओ ऊपर माया के कमरे में चले जाओ, डबल बेड है लेकिन सिंगल सिंगल सो जाना। ओके, एसीपी सर, कहा थे आप मुझे यहाँ हाउस अरेस्ट करके रखा और खुद गायब हो गए, उससे बेटर तो मैं घर चली जाती। तुम अभी घर नहीं जा सकती हो माया, योर लाइफ इज इन डेंजर। मैं किसी से नहीं डरती, हाँ किसी के गेस्ट रूम में ज्यादा दिन रहने से डरती हूँ। माया, आई एम सीरियस। मैं भी, आई स्वेयर। यू नो व्हाट, इसीलिए मैं किसी भी किस्म का रिलेशनशिप अवॉइड करना चाहता था। पता था जब समझने का टाइम आएगा, यू जस्ट वोंट अंडरस्टैंड। सेफ्टी इशू है। आई विल टेक केयर। इससे तो सेफ जगह हो ही नहीं सकती दुनिया में। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। टोटल लॉस हो तुम। एकदम पागल। सेम एक्शन में देखा था, कोई एसिड भी फेंकता तो आप कूली खड़े हो जाते। अपने आप पे भरोसा रखिए सर, यू आर क्वाइट गुड। माया, यशवर्धन, डोंट स्टॉप, मैं अंडर एज नहीं हूं, आई कार्ड है मेरे पास, दिखाओ। क्या टिपिकल लाइन यूज करते हो तुम लोग जब इंटरोगेशन में तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता है? हाँ बताओ, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। What will I do without you? एक महीने पहले बोला था What will I do with you? काफी confused है आप। हेलो, एनसीबी को मेरा पहला तोहफा। हाउ डेयर ही,
यश, मैं तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक कर रहा हूं। मैं मिनिस्ट्री में अब बात कर रहे हैं आप। अब तक तो हमारी जरूरत नहीं थी। पहले मिनिस्ट्री में अपने बॉसेस को खुश रखना आपकी प्रायोरिटी थी, नहीं होती तो मैं जिंदा होता। सो यू लेफ्ट हिम डिफेंसलेस विदाउट अ गन ऑन दिस पर्सन। एक ऑफिसर नहीं, एक सस्पेंडेड ऑफिसर मारा गया। आई टोल्ड यू वी आर नॉट डीलिंग विद अ पर्सन। I told you he's an animal. घर के अंदर घुस के मार दिया उसने। He raped Rachna just to prove a point. And what did we do? We followed the law. And what is the law? To let innocents die. Bomb blast हो या terrorist attack? डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज लोगों के मरने के बाद ही क्यों बात करते हैं? जिंदा रहते हुए बातें कर सकते आप लोग? सो प्लीज टेल द जॉइंट सेक्रेटरी महेश कुछ गलत नहीं कर रहा था। व्हाट्स सो ब्लडी रॉन्ग इन किलिंग रेड्डी? वो भी तो लोगों को मार ही रहा था। आई एडमिट आई वाज रॉन्ग। फाइंड एंड किल हिम। मैं देख लूंगा इंक्वायरी कमीशन को। डेट आगे क्यों बढ़ाएंगे? तुमने उसका नेटवर्क तोड़ा है, लेकिन विष्णु तो नहीं पकड़ा गया ना अभी तक? नहीं पकड़ा गया तो पकड़ा जाएगा। अब उसकी डर की वजह से जीना छोड़ दें? लेकिन शादी कर लेनी चाहिए। मैं हो, महेश हो या और कोई हो, हम सबको पता है हमारे प्रोफेशन में क्या हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता, अगर हम कुछ, हम लोगों की जिंदगी में कब सब ठीक होता है और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। आज वो विष्णु है, कल उसकी जगह कोई और होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई कांट वी टेक प्रिकॉशंस। अगर हम कुछ दिन डेट आगे बढ़ा देंगे तो क्या होगा? हम डरते हैं यही मैसेज जाएगा विष्णु और उसके जैसे क्रिमिनल्स को। तुम्हें तो कहती थी ना, किसी क्रिमिनल या खतरे की वजह से अपनी नॉर्मल जिंदगी ना जीना बहादुरी नहीं, एस्केपिज्म है। मैं कल जाऊंगा और शादी के बाद माया को ले आऊंगा। माया यही रहेगी मेरे घर में। फाइनल? हम सब चलते हैं साथ में? हाँ नहीं, मैं परसों माया के साथ आ जाऊंगा। सेलिब्रेशन विष्णु के मरने के बाद होगा। हेलो। ओ हेलो, फोन उठा लिया, इसका मतलब नो एक्शन येट। यहाँ रुको ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं यहाँ टेलर के पास छोड़ाती हूँ। ओके सुनो सुनो सुनो, मैं सामने पार्क करता हूँ, साथ में चलता हूँ। अरे इसी गली में तो है, रिलैक्स। स्वाति। कुछ नहीं, तुम्हारे इडियट दोस्त मुझे कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों को बहुत मिस किया। तो आओ ना फिर जल्दी से। अच्छा प्लीज अभी जरा फोन रखो एंड जस्ट गो एंड लूज योर वर्जिनिटी प्लीज। बाय। ओके बाय। पहचाना विष्णु? खुश हो? महेश, मैंने तो कहा था यश, सब कुछ भूलने के लिए टाइम लगता है। शादी बाद में भी हो सकती थी। Don't worry about it. तुम खुश हो? तुम्हारा तो ये सपना था।
खुश तो हूं, तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूं, पर पता नहीं क्यों आज कुछ कह ही नहीं पा रही हूं। तुम चुप रहोगी तो अजीब लगोगी। ये दुश्मनी हम दोनों के बीच में है, माया को छोड़ दो। Come on यश, इसको मुझसे बचाने के लिए कम से कम कोई नई और अच्छी लाइन तो सोच लेते। By the way, it was never really between the two of us. ड्रग्स हमारा बिजनेस था और ड्रग्स से लड़ना तुम्हारा बिजनेस था। हम दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। तुम अन्ना को अरेस्ट करते, अपना काम करते। मैं अन्ना की बेल कराता, अपना काम करता, कोई लड़ाई नहीं थी। But then you decided to play God. और तुमने अन्ना को, यू हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ पेन, और अब वही दर्द मैं तुझे देने वाला हूं। नहीं, डील ये थी कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि यश कहां है और उसके बदले में तुम स्वाति को छोड़ दोगे। ये डील थी। गलत डील ये थी कि उधर यश मरेगा और मैं स्वाति को छोड़ दूंगा। अगर तुम यश को नहीं मार सके तो उसमें मेरी क्या गलती है? उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाना, उसकी गोलियां निकलवाना, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं। मैं और मेरे आदमी वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तुम वही हो। मार दो उसे, मैं स्वाति को छोड़ दूंगा। उन्हें यहाँ लाया गया था
डॉक्टर्स का कहना है कि वो अच्छी तरह से रिकवर कर रहे थे। About 6 months back, it was ACP Ashwardhan's operation which was responsible for wiping out 4 major drug cartels in India. Reports suggest the involvement of one of these gangs on the attack on ACP Ashwardhan's life. However, Home Ministry सूत्रों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, लेकिन अचानक सांस रुकने के कारण उनकी मौत हो गई। मार दिया उसे। एड्रेस एसएमएस कर देता हूँ। अकेले आना होगा। आके ले जा अपनी बीवी को। उसने क्या बोला? स्वाति कहाँ है? अलीबाग का एड्रेस है। अलीबाग में कितने जोन है कमलेश? 6। और वहां का एसीपी कौन है? गाय तोंडे। वहां का लोकल टास्क फोर्स मिल सकता है? इजीली। सावंत, व्हीकल्स कितने हमारे पास? 4 सर। यश, आई एम सॉरी, मैंने तेरे साथ जो कुछ किया। स्वाति के लिए हम में से कोई भी यही करता। स्वाति को कुछ नहीं होगा। और माया, विल फाइंड हर अतुल। स्वाति का पता मिल गया, पहले उसे लेने जाते हैं। यश, ऐसे हालत कुछ नहीं, जस्ट गेट द टास्क फोर्स गोइंग। यश, आईवी फिर से लगा लीजिए ऑफिसर। नहीं चाहिए सिस्टर, एक हाई डोज पेन किलर का इंजेक्शन दे दो। पेन किलर ही देना, नींद की दवाई मत देना, नहीं तो होश में आते ही पहले तुम्हें मार दूंगा।
यश, हेलो अतुल है? अतुल पता था नहीं होगा। जिन ऑफिसर्स का जमीर जिंदा होता है ना, उन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ती, गलती करते ही खुद को गोली मार लेते हैं। तू भी नहीं बचेगा साले मादर। माया नहीं चाहिए मुझे, वो तीन चाहिए थे और तू चाहिए। आ रहा है इधर। ये ऑफिसर मर गया तो उसकी गर्लफ्रेंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे। हमारे ऑफिसर को मारा तूने, तेरी माँ का। क्या चाहता है तू? तुम्हें जिंदा मारना चाहता हूँ। इसीलिए अकेले आना। अतुल वाली गलती मत करना। टीम साथ में दिखी तो तुम तो जिंदा रहोगे, लेकिन माया का खून तुम्हारे सर पे होगा। अकेले आऊंगा। बाकी बचा एक। कमलेश मैं ठीक हूं। यश मैं ठीक हूं, तू जा, छोड़ना नहीं उसे। ऊपर आने की जरूरत नहीं है, नीचे ही भेज रहा हूं माया को। जाना चाहती हूँ, एक ही सपना पूरा हुआ इसी भी सब। बाकी सब रह गया। Thank you.
मैंने कहा था ना, मरने के बाद भी तड़पेगा तू। हाँ कमलेश, एक नया इन्फॉर्मर मिला है। ठीक है, मैं आ रहा हूं।
रात को आने में थोड़ी देर होगी।